नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बालाघाट आकाशवाणी केंद्र बालाघाट में पदस्थ वरिष्ठ उद्घोषक प्रकाश उदय को श्रमजीवी वाटिका से सम्मानित कर विदाई दी गई। आपको बता दें कि प्रकाश उदय लगभग 2 दशकों से बालाघाट आकाशवाणी केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी कर्णप्रिय व मधुर आवाज प्रातःकाल से ही जिलेवासियों के कानों में गूंजा करती थी। हालांकि शासकीय प्रक्रिया के तहत प्रकाश उदय का स्थानांतरण बालाघाट से रायपुर किया गया, जिससे कि उनके श्रोताओं एवं करीबी मित्रों में खुशी के साथ साथ मायूसी भी छा गई। अपनों से बिछड़ने का गम हर किसी को सताता है। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ रहें और अपनी कार्यप्रणाली से सबका दिल जीतते रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ श्रमजीवी वाटिका में भ्राता प्रकाश उदय का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य उपस्थित रहे। सभी गणमान्यों ने प्रकाश उदय के साथ बिताए हुए लम्हों को याद किया, पुष्पहार से उनका स्वागत किया और शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। व्यक्तित्व में यदि सुधार आया है तो प्रकाश उदय जी के सान्निध्य से आया है। प्रकाश उदय जी एक बहुत बड़े साहित्यकार, जिनकी रचनाएं मैंने कई बड़े बड़े अखबारों में प्रकाशित होती हुई देखी। देश के नामचीन अखबारों में मैंने इनकी कृतियों को देखा है और लोगों को सराहते हुए देखा है। इनके संबंध हिंदुस्तान के उन सभी बड़े साहित्यकारों से हैं, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े अभिनेताओं से, निर्देशकों से हैं, ये मैंने स्वतः देखा है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, हमें बड़ा हर्ष है, खुशी है कि हम इन 18 सालों में इनका उतना अधिक सदुपयोग नहीं कर पाए। इस बात का विषाद भी है, गम भी है, लेकिन ईश्वर की मंशा के आगे किसी की चलती नहीं। हमारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती हैं, और जब प्रकाश उदय जी का हमें सान्निध्य प्राप्त हुआ तो निसंदेह हमने अपने आप को तराशने की कोशिश भी की। और अभी कई बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो बालाघाट में रहकर, यदि प्रकाश जी बालाघाट में रहते तो वो पूर्ण नहीं हो पाते। इन ड्रीम प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए प्रकाश उदय जी बालाघाट से रायपुर के प्रस्थान कर रहे हैं। ये भविष्य की योजना है कि बालाघाट के कलाकारों को एक स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया बालाघाट से रायपुर की जा रही है, रायपुर से फिर मुंबई की ओर जाएगी। पर पुनः हमारे ऐसे महान बड़े भाई साहब प्रकाश उदय जी। बालाघाट से देवेंद्र खरे की रिपोर्ट।